हाय दोस्तों, जोगेंद्र टुटेजा एट टुटेजा टॉक्स डीसी मार्टिन में बात करते हैं इस साल की सबसे बड़ी फिल्म कलंक के बारे में। कलंक नहीं, इस साल हमने देखा है बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसेस ऑलरेडी बॉलीवुड में आ चुकी हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, केसरी एक बड़ी हिट, टोटल धमाल एक बड़ी हिट, बदला सुपर हिट, लुका छुपी सुपर हिट, मनी कर्णिका अगेन अ सेमी हिट। सो जैसा हमने देखा है काफी सारी सक्सेसेस एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दी हैं। बट अगर हम बात करें कलंक की, इट इज वन ऑफ दोस इवेंट फिल्म्स, इज वन ऑफ दोस फिल्म जहां पे करण जौहर और साजिद नडियाडवाला दोनों साथ में आ रहे हैं। ऊपर से कास्ट माशाल्लाह, इट्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर व्हेन वरुण धवन एंड आलिया भट्ट कमिंग टुगेदर। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित साथ में है, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर है। सो फिल्म बहुत बड़ी है और उसको और भी बड़ा बना दिया प्रीतम के म्यूजिक ने। सो ओवरऑल जो पैकेज है वो काफी अच्छा बन गया है। सो नो वंडर फॉक्सस्टार जो है फिल्म को बहुत ही बड़े पैमाने पर लेकर आ रहे हो। Why not? It has to be the case because अगर हम देखें आगे पीछे कॉम्पिटिशन कुछ है ही नहीं, ना कोई पुरानी फिल्म ऐसी कोई ज्यादा चल रही है, ना आसपास कोई और कॉम्पिटिशन है, तो उस वजह से जो फिल्म है इसको एक बहुत बड़ी रिलीज मिलेगी। 3000 प्रिंट्स तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, एक्चुअली नॉट 3000 प्रिंट्स बट 3000 स्क्रीन्स। सो उस वजह से जो फिल्म है वो इतनी बड़ी रिलीज हो रही है एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो कमिंग ऑन अ पार्शियल हॉलीडे। पार्शल हॉलीडे है महावीर जयंती की और उस वजह से होगा क्या कि फिल्म को थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा। हाँ, इवनिंग में जो, क्योंकि इवनिंग और नाइट शोज जो हैं ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बढ़े जाएंगे बिकॉज फिल्म वेडनेसडे को आ रही है एंड देन थर्सडे को वर्किंग डे। सो कहीं ना कहीं जो हॉलीडे एडवांटेज है वो बैलेंस आउट हो जाती है। बट स्टिल इट्स अ बिग डे, इट्स अ बिग रिलीज, इट्स अ बिग काइंड ऑफ अ सेटअप दैट हैज बीन पुट टुगेदर, विच मीन्स अब देखना यही है कि कितनी बड़ी स्टार्ट लेती है फिल्म। अगर हम देखें तो इस साल काफ़ी और फिल्में हैं जिन्होंने बड़ी ओपनिंग ली है। केसरी हो गई, गली बॉय हो गई, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गली बॉय एज वेल इज अ मेजर हिट, मैं उसके बारे में शुरू में कहा नहीं था मैंने, बट इवन दैट्स अ वेरी बिग हिट। तो अगर हम देखें केसरी, गली बॉय, इन सब की जो ओपनिंग है, टोटल धमाल, इन सब की जो ओपनिंग है वो काफ़ी बड़ी लगी है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि कलंक की ओपनिंग इससे भी बड़ी होनी चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि फिल्म की जो स्टार्ट है 20 करोड़ तो बेर मिनिमम आई जाएगी, बट देन कहीं ना कहीं इट हैज़ गॉट दैट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल टू रीच टिल द 25 करोड़ मार्क। और अगर वहाँ तक फिल्म पहुँच गई तो इट्स गोइंग टू बी अ मेजर किक स्टार्ट बिकॉज उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन दिनों में और ज़्यादा नंबर्स आने के चांसेस है, स्पेशली ऑन सैटरडे एंड संडे व्हेन द फिल्म इज गोइंग टू जंप ह्यूज। तो अब देखना यही है दैट डायरेक्टर अभिषेक वर्मन, जिन्होंने लास्ट टाइम करण जौहर और साजिद नडियाडवाला के साथ मिलकर टू स्टेट्स बनाई थी, आलिया भट्ट वॉज अगेन द कॉमन फैक्टर, इस बार वो कलंक में क्या लेकर आते हैं। आई होप दैट इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड इनफ फिल्म बिकॉज इफ दैट इंडीड इज द केस देन वी कुड एज वेल हैव येट अनदर मेजर हिट राउंड द कॉर्नर। दिस जोगेंद्र टुटेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटेजा टॉक्स, देसी मार्टिनी।